हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट। और मैं हूँ सोनिया शर्मा। आज की हमारी रेसिपी है वाइट राइस, जो सुनने में आपको बहुत नॉर्मल सा लग रहा होगा, क्योंकि हर इंडियन किचन में वाइट राइस तो बनता है। तो आज हम उसी राइस को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे, जिससे उसका एक एक दाना खिला खिला और अलग सा बनेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो खिले खिले वाइट राइस बनाने के लिए ले रही हूँ मैं एक गिलास बासमती चावल। तो ग्लास का साइज वही है जो नॉर्मल हम घर में पानी पीने के लिए यूज करते हैं, जिसमें 250 से 300 ml तक पानी आता है। अब इन राइस को 3 से 4 बार पानी से वॉश कर लेंगे। तो अब इन चावल को उबालने के लिए एक बड़े पतीले में 4 गिलास तक पानी ले लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी आप चावल लेंगे उसका 4 गुना पानी ले लें। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 गिलास चावल लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 गिलास पानी भी लिया है। अब हम पानी को ढककर उबलने देंगे, ढककर इसलिए ताकि वो जल्दी से बॉइल हो। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा, इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप देसी घी ही डालें। देसी घी बॉइल्ड राइस के टेस्ट को और बढ़ा देता है। जैसे ही घी पिघल जाए, इसमें हम डाल देंगे अच्छे से वॉश किए हुए राइस। अब इनको हल्के हाथ से चलाकर बिना ढके मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। दस से 12 मिनट के बाद हम चावल को चेक करेंगे, जिसके लिए हम चावल का एक दाना लेकर उसको हल्के हाथ से तोड़कर देखेंगे। चावल ज्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए, उसमें हल्की सी स्टिफनेस होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा कच्चापन। देखिए इस तरह से। अब इन राइस के ऊपर वही प्लेट रखकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। आखिरी में बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 से 4 चम्मच तक पानी बचा रहे। अब चावलों को फैलाकर किसी भी प्लेट से ढककर 5 मिनट के लिए इसी स्टीम में पकने देंगे। हमें यहाँ पर गैस ऑन नहीं करनी है, ये इसी बची हुई स्टीम में पक जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद लीजिए, आपके खिले खिले और गर्मा गर्म राइस तैयार हैं। तो देखिए, है ना एक एक दाना अलग अलग और खिला खिला। अगर आप इस तरह से राइस बनाएंगे, वो स्वाद तो होंगे ही और साथ ही साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होंगे, क्योंकि इसका सारा स्टार्च निकल चुका है। अब बचे हैं तो केवल स्वादिष्ट चावल।
तो इस तरह से गर्मा गर्म चावल बनाएं और सबको परोसें। तो अब इन राइस को आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे छोले, राजमा, कड़ी और चाप। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि चावल कैसे बने। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।